मौके पर सुहागन महिला द्वारा दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष सिंदूर खेल रही हैं। हर वर्ष विजय दशमी के दिन विसर्जन से पहले माँ दुर्गा को विदा करते समय सुहागन महिला परंपरा के अनुसार एक दूसरे को सिंदूर लगाती दिखी और वहीं सुहागन होने की माँ से आशीर्वाद ले रही हैं। मान्यता ये है कि जो माँ दुर्गा अपनी मायके से मायके आती हैं 4 दिनों के लिए और फिर वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आज वो जाती हैं, जिसको ले करके यहाँ पे जो जितना समय वो रहती हैं उससे सुहागन होने की आशीर्वाद मांगती हैं। लोग यहाँ पे महिलाएं वैसे ही कर रही हैं और खुशी खुशी माँ को ये लोग विदा कर रही हैं, इसी सोच के साथ कि अगले साल माँ कुछ ना आए। और इस तरह से देखा जा रहा है कि काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पे सिंदूर दान करने आई हुई है, सिंदूर खेला चल रहा है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं तो माँ को नम आंखों से विदा कर रही है, लेकिन फिर भी एक ये है कि अगले साल वो फिर से आएंगी और आज जो है खोइशा भर करके और सिंदूर लगा करके माँ को विदा कर रही है। कैसे क्या कर रही है आज? विदा कर रही है माँ को सिंदूर लगाने। क्या थी आज, कैसे कैसे थी? अभी लगाए यहाँ पे सिंदूर खेला के साथ जो है एक सेल्फी लेते हुए भी जो है महिलाएं दिख रही हैं। क्या कर रही हैं बताइए? सेल्फी ले रहे हैं। क्या आज विजयदशमी का दिन है, आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है, आज माँ का हम लोग सिंदूर चढ़ाने आए हैं। अगले आज जैसे आज कैसे कर रही हैं सिंदूर को? हर साल हम लोग माँ को पहले सिंदूर अर्पण करते हैं, होली के तरीके एक दूसरे को सिंदूर ताकि माँ का जिस तरह से उनकी पूरा सुहाग है हमारा भी सुहाग उसी तरह से कायम रहे। तो जिस तरह से उनका सुहाग जो है कायम है, वैसे ही इन लोगों का भी सुहाग कायम रहे, इसी कारण ये लोग और ये देखिए अब कतार तरीके से महिलाएं जो है माँ को सिंदूर लगाने जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे सब महिलाएं ज्यादातर मास्क लगाई हुई है, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो मास्क नहीं लगाई है, लेकिन एक मायके आती हैं और आज आप लोग क्या कर रही हैं सिंदूर? फर्स्ट टाइम है सिंदूर लगाना। कैसा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है? बचपन से देख रही देखा आपने कि बहुत अच्छा लग रहा है, इनका पहली बार था। और भी महिलाएं हैं जो आ रही हैं और उनसे पूछते हैं सिंदूर लगा देखिए खेला खेल रही है, क्या क्या कह रही है, माँ से क्या इस तरह का आशीर्वाद ले रही है? तो आशीर्वाद लेना ही है। तो आज क्या कर रहे हैं आज? इसलिए कि अगले साल भी ऐसे ही अच्छी से और बेटर होगी दुर्गा पूजा और इस बार तो मास्क लगाना पड़ा, तो पूजा एंजॉय नहीं किया। अब नेक्स्ट ईयर खत्म पूजा और नेक्स्ट ईयर हम लोग मास्क लगाना पड़े, बढ़िया से आए हम लोग एकदम अपने सुहाग का आशीर्वाद लेते साथ साथ जो है ये लोग कोरोना अगले साल खत्म हो जाए, मास्क नहीं लगाना पड़े, सालों साल सुहाग बना रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक सुहाग बना रहे, इसकी कामना लेकर के ये लोग सिंदूर खेल रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती थी वो भी इस बार नहीं है, क्योंकि महिलाएं आ रही हैं, लाइन लगा रही हैं और
यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पूजा भी कर रही है। पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा हो रही है और यहाँ पे महिलाएं पूजा कर रही है। आजा खेला जा रहा, बताइए क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज का दिन सब सिंदूर खेलते हैं हम लोग, आज विजयादशमी है, आज सबसे सिंदूर लगाते हैं, आज का दिन सुबह माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे मान्यता है कि जो माँ दुर्गा 4 दिनों के लिए अपने बच्चों के साथ मायके आती हैं और आज वो अपने ससुराल जा रही हैं और इसी के बाद जब इनको विदा करने से पहले ये लोग सिंदूर और खोचा भर के माँ को विदा कर रहे हैं, नौ माँ को से विदा कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी रहती है कि अगले साल माँ फिर से आए और इसी तरह की खुशियाँ फिर से जमशेदपुर में और पूरे शहर यानी पूरे देश में देखने को मिले, तो ये सारी खुशियाँ ले करके वो यहाँ माँ को विदा कर रही हैं और सिंदूर खेला का कार्यक्रम कर रही हैं। जमशेदपुर से 22 लोग लगा